मकर संक्रांति रेसिपी या लोहरी रेसिपी। आज मैं आप लोगों को मुरमुरे का लड्डू कैसे बनाया जाता है ये बताने के लिए बता रहा हूँ। तो मुरमुरे का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम 250 ग्राम गुड़ ले लेंगे। ये देखिए गुड़ ले लिया 250 ग्राम हमने, और 250 ग्राम मुरमुरे, मुरमुरे बोलिए या मुरी बोलिए, बिहार में इसे मुरी भी बोलते हैं। तो मुरमुरे ले लेंगे 250 ग्राम, और 250 ग्राम शक्कर। इसमें हमें और भी कुछ ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। जो हमें करना है दोस्तों, सबसे पहले हम कढ़ाई गर्म होने के लिए, ये देखिए गैस पे हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ाने के बाद हमें जो इसमें ऐड करना है, 1 ग्लास, 1 कप, बड़े कप से, 1 कप ज्यादा नहीं, 1 कप वाटर। ये वाटर इसमें हम ऐड कर देंगे, और वाटर ऐड करने के बाद थोड़ी देर पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए थोड़ी देर पानी से जब स्टीम निकलने लगे, ये पानी हमारा गर्म हो चुका है। पानी गर्म होने के बाद इसमें हमें गुड़ को ऐड कर देना है। ये देखिए सारे गुड़ को इसमें हम ऐड कर देंगे, और इसे पिघलने तक, और जब तक ये बिल्कुल घुल जाएगा पानी में, तब तक हमें इसे बिल्कुल गर्म करते रहना है। देखिए ये पूरा जो है सो घुलना स्टार्ट हो गया पानी में। हम इसको तब तक गर्म करेंगे जब तक ये बिल्कुल घुल ना जाए इसमें। इस टाइप से थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हम चलाते रहेंगे। ये जो हमने गुड़ डाला है, ये गुड़ बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पानी में मिक्स हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए ये शक्कर बिल्कुल घुल चुका है। अब घुलने के बाद हमें अब इसको जो है सो अभी बंद नहीं करना है, इसको बिल्कुल गर्म करते रहना है जब तक कि ये हमारा बिल्कुल चिपचिपा टाइप का ना हो जाए। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको हम अभी गर्म करते रहेंगे। जब ये चिपचिपा टाइप का हो जाएगा हम निकाल के चेक कर लेंगे, अभी बिल्कुल पतला ही है। अभी थोड़ी देर और गर्म करेंगे इसको, इस टाइप से इसको चलाते रहेंगे, इससे क्या होगा कि जल्दी ये चिपचिपा टाइप का बन जाएगा। तो इसको इस टाइप से हम चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल गाढ़ा जब हो जाइए, और जब हम इसको उठाएंगे तो धीरे धीरे चम्मच से नीचे गिरेगा। और इसको चेक करने का एक तरीका और भी है, एक कटोरी में हम पानी ले लेंगे, और पानी में इसको हम, ये देखिए पानी में डालने के बाद जब ये पानी में मिक्स ना हो तो समझिए कि आपका ये चाशनी रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो स्टेप करना है, इसमें मुरमुरे ऐड कर देंगे हम। ये देखिए तो मुरमुरे ऐड कर देना है आप। ऐड करने के बाद अब हमें गैस को बंद कर देना है, और गैस बंद कर देने के बाद अब इसको अच्छे तरीके से हमें इसको उतार लेंगे ऊपर से गैस पर से। और इसको इस टाइप से मिक्स कर देंगे। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें हमें हाथ नहीं लगाना है क्योंकि बहुत ही गर्म होता है ये, हाथ लगाने के बाद हाथ जल सकता है हमारा। इसको हम इस टाइप से पूरे मुरमुरे को मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से।
बिल्कुल सावधानी पूर्वक, ताकि हमारा ये गिरे भी नहीं। आप थोड़े से बड़े बर्तन, बड़ी कढ़ाई भी ले सकते हो, क्योंकि ये फूल हो चुका है। दोस्तों बहुत अच्छी और टेस्टी रेसिपी है मुरमुरे का लड्डू, खास करके लोहड़ी और मकर संक्रांति पे तो खाया ही जाता है इसको। ये देखिए इस टाइप से हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको सावधानी पूर्वक मिक्स कर देंगे। सबको एकदम ये हमारा करीब करीब मिक्स हो चुका है। मिक्स होने के बाद इसको हम हाथ में थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये गर्म है। पानी ना हो तो थोड़ा सा आप गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। इसको बिल्कुल हल्का गोल गोल करके ये थोड़ा सा गर्म है ये, थोड़ा सा हाथ में आप गेहूं का आटा लगा सकते हैं या मैदा का भी यूज कर सकते हैं, हल्का सा लगाना है। इसको हम एक बड़े बर्तन में रख लेंगे। इस टाइप से हम इसको गोल गोल करते जाएंगे। ये देखिए बहुत प्यारा सा शेप में लड्डू बनकर तैयार हो रहा है हमारा। इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि थोड़ा टाइट करके इसको बांधना है और दबा करके इसको बांधना है, बिल्कुल टाइट करके। बना करके हम एक बर्तन में रखते जाएंगे। ये देखिए इस टाइप से गोल गोल करना है हमें, ऐसे हम रखते जाएंगे। थोड़ी से हाथ तेजी से चलाना है, बिल्कुल इसको टाइट करके गोल करके बंद कर देना है। सारे लड्डू बनाकर हमने एक बर्तन में रख लिया है। इसके अलावा जो बच जाए, इसका हम क्या कहते हैं उसको, बर्फी टाइप का कट भी कर सकते हैं। इसको एक प्लेट में लेंगे और प्लेट में डालने के बाद इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको इसमें दबा करके रख देना है। एक प्लेट में हमने रख लिया है और रखने के बाद इसको इस टाइप से छोड़ देंगे। अब इसको चाकू से हम स्क्वायर कट में कट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम इसको एक चाकू लेंगे और चाकू से इसको इस टाइप से बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस टाइप से हमें कट कर देना है इसको। ये देखिए यहां से लेंगे, दोस्तों अगर हम इसको डालने के थोड़ी देर बाद ही इसको कट कर दें तो आसानी से कट हो जाता है, क्योंकि ये सूखने के बाद थोड़ी देर बाद बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसको इसे यहाँ से बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसको
हमें कट कर देना है। तो दोस्तों मुरमुरे का लड्डू के साथ साथ हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद फिर हमें इधर से लेना है दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल सावधानी पूर्वक हमने इसको कट कर दिया। अब हम इसको आराम से इसको पकड़ेंगे और इसको इस टाइप से अलग करके, ये देखिए इसको हम प्लेट लेंगे और इस प्लेट में इसे रख लेंगे इसको दोस्तों। बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसको ये हमारा रेडी हो गया। इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों इसको बनाने में। बहुत अच्छी टाइप का ये टेस्टी चीज़ें हैं। इसको हमने फटाफट बना लिया दोस्तों। अगर आपको हमारा ये डिशेस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखिए इसका कटलेट भी बना लिया और ये हमारे पास लड्डू भी रेडी है। तो इसको हम दोनों टाइप से बना सकते हैं। आपको रिव्यू भी मैं अभी ही दे देता हूँ। एक प्लेट में अच्छे तरीके से सजा करके हमने ये मुरमुरे के लड्डू हैं और ये हमारा मुरमुरे कटलेट है, इसको निकाल लिया है। और बच्चों से इसका टेस्ट भी पूछ लेते हैं। बाबू कैसा है टेस्ट? बहुत अच्छा है, यम्मी। बहुत कितना यम्मी है? यम्मी बहुत यम्मी। खा के दिखाओ, खा के दिखाओ ना, है। ये खा के दिखा ना। ओले ओले, कैसा लगा? बहुत टेस्टी। तेजस्वी आप खाओ, अच्छा है ना? कितना अच्छा। चलो ओके।